फागुन का महीना चल रहा है और होली का महापर्व निकट है। सभी भक्त ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, कोई गुलाल से होली खिला रहे हैं, कोई फूलों से होली खिला रहे हैं, कोई फागड़ियाँ पहन रहे हैं, कोई पीलियाँ पहन रहे हैं और विविध रूपों से ठाकुर जी को होली का महोत्सव करा रहे हैं। हर समाज में विभिन्न रूपों में होली का महोत्सव हो रहा है और गुलाल महोत्सव में सभी आनंदित हो रहे हैं। हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर के सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज में और सभी यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं वो विशेष रूप से फागड़ियाँ पहनकर यहाँ पर आई हैं और पूरे समाज का यहाँ पर विशेष रूप से महापर्व हो रहा है, उत्सव हो रहा है फागोत्सव। किस तरह का यहाँ फागोत्सव मनाया जा रहा है और क्या कह रही हैं ये भक्त महिलाएं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर।
क्या कहना है आपका? सूर्यवंशी कुमरावत, तंबोली समाज का बहुत जोर शोर से जगदीश चौक हॉल में बहुत जोर शोर से फाग उत्सव मनाया गया और कृष्ण राधा को बहुत सुंदर सजाया गया और उनके साथ में होली के रंग में हम सब रंग गए महिलाएं और बहुत ही हमने आनंद और उत्साह के साथ हमने फागोत्सव मनाया। क्या पहना महिलाओं ने? महिलाओं ने फागुनिया पहना और राधा कृष्ण बने। आप बताओ क्या क्या विशेष रूप से आयोजन हुए हैं? फागोत्सव में भीलवाड़ा से भजन मंडली आई, उन्होंने बहुत अच्छे भजन प्रस्तुत किए राधा कृष्ण के। सभी समाज की महिलाओं ने आनंदित होकर भजन पर नृत्य प्रस्तुत करा। कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा, मैया यशोदा से पूछा कि राधा गोरी क्यों और मैं सांवला क्यों, तो मैया यशोदा ने बोला कि तुम अपने ही रंग में राधा को भी रंग दो। तभी से ये प्रथा चली आ रही है क्योंकि वो जब पहली बार कृष्ण भगवान ने राधा जी को अपने रंग में रंगा था वो फागुन के महीने चल रहे थे, तभी से सब लोग फागुन मास में फागुत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर तंबोली समाज की महिलाओं ने, महिला मंडल ने, और ये फागुत्सव पर त्यौहार मनाया। इसमें विशेष हमारा जो पहनावा था वो फागनिया था, सभी महिलाओं ने फागनिया पहना था और विशेष करके महिला मंडल जो भीलवाड़ा है वहाँ की महिलाएं आई थी 10-12 जिन्होंने बहुत ही अच्छा भजन की प्रस्तुति की और राधा कृष्ण के नृत्य किए और उसी के साथ में हमने बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाया। और मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि उदयपुर में और अपने मेवाड़ में ये जो माहौल है ना वो शायद राजस्थान के और देश के किसी कोने में नहीं है। फागनिया और पीलिया मतलब हम पहन के जाते हैं ना कहीं और तो इतना नहीं लगता, और यहाँ अगर नहीं पहना ना ऐसा लगता है कि फागन हमारा सूना है। हमारे को हर साल एक फागनिया और पीलिया चाहिए, चाहे ढेरो पड़े हो और फिर भी एक मन होता है कि नहीं जैसे फाग आई है फागनिया खरीदना है, बस एक वो मन में रहती है। और वो जो जुनून और जो एक इच्छा है ना वो सिर्फ मेवाड़ में है, बाकी कहीं और नहीं। धन्यवाद। हमारे सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज की महिलाओं ने भाग करवाया, बहुत अच्छा भाग हुआ, बहुत डांस गाना खूब हुआ है। हमारे महिला मंडल की औरतें आई भीलवाड़ा से, उन्होंने भी बहुत बढ़िया भजन गाए और खूब डांस किया, सब ने सहयोग किया, सब समाज की महिलाओं ने सहयोग किया, बहुत अच्छा है। मैंने इस फागुत्सव में राधा का रोल प्ले किया तो मुझे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। राधा का ऐसा लगने लगा कि मैं खुद राधा हूँ, बहुत मजा आया। हमने इस फागुत्सव में बहुत एंजॉय किया। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? फाग उत्सव में बहुत ही आनंद आया और ऐसा फाल्गुन महीना लगते से ही, मतलब ये सीजन का लगते से ही सब जगह फागोत्सव करने का बहुत जुनून होता है और सब जने बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण की कृपा से ये प्रथा मेवाड़ में चली आ रही है और आगे भी चलती रहे, ऐसी ही कृपा है। फागुत्सव का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और ऐसा ही प्रोग्राम हमेशा होता रहे। जय श्री कृष्णा। हमने फाग उत्सव मनाया, पूरे समाज की माताओं और बहनों ने मनाया और अच्छा लगा और हमारी कोशिश ये है कि हर साल ऐसा इससे भी आगे से आगे अच्छा से अच्छा मनाते जाएं, बहुत अच्छा मनावे। कैसा आनंद आया है? बताओ। हमारे समाज तंबोली समाज ने अच्छा फाग उत्सव मनाया, बहुत अच्छा आनंद आया और हर साल होना चाहिए। एक मैंने इस फाग उत्सव को जब से मैंने देखा है और समझा है, मेरी शादी को यहाँ 28 साल हो गए लेकिन मैं समझी कुछ 3-4 सालों से ही हूँ, लेकिन जब मैंने समझा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय कृष्ण के रंग में राधा रंगी थी ना वैसे आज हम कृष्ण और राधा के रंग में रंग गए हो, ये महसूस होता है अंतर आत्मा से। मैं ये कह रही हूँ तो मुझे भी लगता है कि कहीं हम प्रभु के रंग में रंग गए इस फाग उत्सव को मना करके। और सभी अपने 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 प्रीतम के रंग में रंगते हैं। प्रीतम के रंग में तो बाद में, लेकिन प्रभु के रंग में जरूर रंगते हैं, मुझे तो ये लगता है। प्रीतम के रंग में तो देखो शादी होती तो रंगे हुई है, लेकिन प्रभु के रंग में रंगना बहुत बड़ी बात है और वो फील हमने आत्मिक किया है। जय हो।
अपने प्रेतम के साथ में किस तरह का प्रेम बढ़ता है। समाज की जो सभी महिलाएं हैं उन्होंने सबने मिलजुल कर इतना अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन करा, खूब अच्छे से फागड़िया रंग पहन के और सब एक दूसरे के रंग में रंग गए, मतलब और कृष्ण के रंग में रंग गए, बहुत ही एंजॉय किया है। और प्रीतम को सब छोड़ दिया लेकिन प्रभु के रंग में रंग गए। प्रीतम को छोड़ छोड़ तो मैं प्रभु याद आ रहे हैं, इनके साहब का नाम प्रीतम है किया और सभी माता बहनों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। और डेकोरेशन का किरण जी के बेटे ने किया था, अच्छा किया उनके लिए। मैं तो टेंशन में, धन्यवाद, मैं तो बहुत टेंशन में थी। होली का भजन सुना रही हूँ मैं, रंग मत डाल रे सांवरिया गानी बामीला भगवान।